हाँ, तो कोडिंग डिकोडिंग वाले सवाल में आप अटकते हो, मैं भी अटकती थी। तो आज हम देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग अल्फाबेट सीरीज। आज हम मिलजुल के समझेंगे कि आखिर अल्फाबेट सीरीज कोडिंग डिकोडिंग को कैसे करते हैं। जैसे कि हमें ये इस वर्ड का कोड ये होगा, तो बताओ इस वर्ड का कोड कौन सा होगा। इसको शॉर्ट ट्रिक करने के लिए आज हम देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग अल्फाबेटिक सीरीज को करने की शॉर्ट ट्रिक, जिससे कि आप इस अल्फाबेटिक सीरीज को 10 सेकेंड्स में कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमें जैसे मैंने बोला कि आपको बताना है जी का क्या नंबर है, मतलब जी कौन से नंबर पे आता है। दैट वी नो दैट अल्फाबेट्स आर 26। ओके, तो 26 वाला अल्फाबेट कौन सा होगा? जेड, क्योंकि वो लास्ट अल्फाबेट है, तो 26 होगा। और फर्स्ट कौन सा होगा? ए। तो यहाँ हमें ए और जेड के नंबर पता हो गए। अब आपको बताना है कि जल्दी जल्दी बताइए कि जी का क्या नंबर है। नहीं बता पाए ना? मैं बताऊं जी का क्या नंबर है? 7। कैसे बता दिया मैंने? यहाँ पे हमें एक नंबर, एक वर्ड ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा EJOTY, ठीक है। अब आप पूछेंगे इजोटी कहाँ से आ गया। अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग आधे से ज्यादा समझना है तो आपको इजोटी को समझना पड़ेगा। कैसे? देखिए, अगर आप ABCD को काउंट करते हैं, ABCDEF, यहाँ काउंट करा आपने, तो यहाँ एक और से ABCDE, ई कौन से नंबर पे आ रहा है? 5। तो ई कौन सा है? 5। ना अगर आप जे करेंगे, जे तक का काउंट करेंगे, तो जे कौन से नंबर पे आ रहा है? 10 पे। ओके, ओ कौन से नंबर पे आ रहा है? 15 पे। टी कौन से नंबर पे आ रहा है? करिए करिए, 20 पे। और वाई किस पे आ रहा है? 25 पे। तो यहाँ आप अपना नेम भी ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ इजोटी इसलिए लिया है क्योंकि 5, 10, 15, 20, 25, ये 5 का टेबल तो ये बहुत इजी होता है ना। मैंने बोला कि ई, हमें ये याद है कि ई का 5 नंबर है, जे का 10 है, ओ का 15 है, टी का 20 है और वाई का 25 है। अब आपसे पूछा गया कि अब आपको बताना है कि क्यू का क्या नंबर है। तो आपको पता है कि ओ का 15 है, उसके 2 आगे कर दो तो कितना है? 17। ओ पी क्यू, है ना, तो 17 क्यू का नंबर है। तो ये आप याद कर लीजिए, जैसे कि ये बहुत ईजी है, जो टी आपको याद अभी होगा होगा, है ना। लिख दीजिए अपनी कॉपी पेन में, आपको ये समझ में आ गया। अब कोडिंग डिकोडिंग आप करते हैं तो आपको सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आप एनालॉजी से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कोई क्वेश्चन एनालॉजी से आता है, फर्स्ट टाइप हमारा क्या होता है? एनालॉजी। अब इसका हमें एग्जांपल लेना पड़ेगा। चलिए लेट्स टेक एन एग्जांपल। आ गया, यहाँ एग्जांपल आ गया। अब इसमें बताना है कि गैलेक्सी का कोड PCDCLO है, सिल्वर का कोड HMDNUZ है। तो अब बताइए कि सेवेज का कोड क्या होगा। अब आप टाइम वेस्टेज करने लग जाएंगे कि जी का बी किसी लॉजिक से दिया होगा, टाइम वेस्ट हो रहा है ना। तो अब हमें फर्स्ट ट्रिक जो लगानी है वो लगानी है एनालॉगी। इसमें देख सकते हैं आप कि सेवेज के सारे जो लेटर्स हैं वो इन दोनों में दिख रहे हैं। जैसे एस, ये देखिए एस दिखा ना, इसका कोड क्या बनाया उन्होंने? एच। ए, ये ए दिखा, सारे लेटर्स इसमें दिख रहे हैं। तो आपको क्या करना है? सिंपली कुछ नहीं करना है, माइंड नहीं लगाना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले माइंड नहीं लगाना है, एनालॉगी लगाना है। क्या करना है? देखिए एस यहाँ आ रहा है, इसका कोड हमने लिखा एच, उन्होंने लिखा था, ठीक है। अब ए, ए का आ रहा है, ये आ रहा है, यहाँ पे इनका कोड क्या लिखा? सी। वी, वी का आ रहा है, ये आ रहा है, इसका कोड क्या लिखा? एन। ए का आ रहा है, ये आ रहा है, इसका क्या लिखा? सी। जी, ये रहा, इसका क्या लिखा? बी। और ई, इसका क्या लिखा? यू। सो ये रहा आपका सेवेज का आंसर। जल्दी हो गया ना। अब आपको बताना है इसमें कि ये नहीं, इस वाले का क्या आंसर होगा।
बताइए बताइए, सिली है आपको गैलेक्सी और सिल्वर में से ही ढूंढना है। और बस सेवेज था, हमने यहाँ पे सिली कर दिया। ओके, आपका टाइम शुरू होता है अब। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब देखते हैं सिली का होगा क्या। क्या दिया था हमने? सिली दिया था, यहाँ पे हम लिख लेंगे सिली। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, एस का क्या है? एच है। आई का क्या है? एम है। एल ये रहा, डी डी। वाई का है ये रहा, ओ। तो हमारा सिल्वर का कोड क्या हुआ, सिली का कोड क्या हुआ? एच एम डी डी ओ। जिन्होंने ये कोड निकाला है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए अब जो सेकंड हमारी स्ट्रेटेजी होती है, जो सेकंड आता है वो होता है स्प्लिट बाय हाफ। क्या होता है सेकंड? स्प्लिट बाय हाफ। ओके, तो ये हमारा सेकंड होता है। जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, स्प्लिट बाय हाफ। स्प्लिट मतलब तोड़ना, अलग अलग करना। ओके, और हाफ से हमें स्प्लिट करना है। कितने लेटर्स होते हैं हमारे ए बी सी डी, कितने अल्फाबेट्स? 26 अल्फाबेट्स। अब इसका हाफ कितना होगा? अब हमने इसको किया 2 से डिवाइड, 2 1 2 2 13 26। तो इसका हाफ क्या हो गया? 13। ठीक है, अभी भी समझ में नहीं आया? देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई आई जे के एल एम। तो एम है 13th वाला लेटर। ओके, तो यहाँ हमने एम को इतना लिख दिया, बस एम तक लिखा है, 13 तक। ओके, अब जब इसके आगे का जो लेटर्स होंगे उसको हम बैकवर्ड में लिखेंगे। 14th क्या होता है? एन, ए एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। तो यहाँ हमने लिख दिया। अब यहाँ पे जिसके नीचे, जो लेटर के नीचे जो सा लेटर है, जैसे एम के नीचे कौन सा लेटर है? एन। तो ये इसका कोड बन गया, है ना। ये ट्रिक आपको कब आजमानी है? जब एनालॉगी हमारी जो फर्स्ट ट्रिक थी वो नहीं लग रही है उस क्वेश्चन में। सो यहाँ ए का क्या हो गया? जेड हो गया। बी का क्या हो गया? वाई हो गया। अब आप कहोगे कि ये फिर से टाइम वेस्टेज है, हम इसको क्या एग्जाम पूरा ऐसे लिखते बैठेंगे? अरे इसे याद कर लो ना, कैसे? कोई ट्रिक लगा लो अपनी। जैसे ए जेड, ये तो पता ही है, ए जेड, ए फर्स्ट लेटर, जेड वाई लेटर, बी वाई बाय, ठीक है, बाय एक वर्ड बन गया। अब सी एक्स, इसको आप कैसे निकालोगे? कर्सिव राइटिंग में एक्स कैसे लिखते हैं? दो सी बना के, है ना। तो ये सी एक्स का बन गया पेयर। ओके, डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू ड्यू, ये एक वर्ड बन गया। ई यू, इसको आप याद कर लीजिए, ई वी सॉरी, इसको आप याद कर लीजिए। ओके, एफ यू उफ, है ना। जी टी रोड होती है कई जगह पे, जी टी रोड। ए एच एस, एस एच एच एस, इसका आप कैसे करेंगे? आपके सरनेम में या नाम में एस या एच आता होगा। ओके, तो उसको आप याद कर लीजिए कि भैया हमारा नाम, जैसे आपका नाम क्या है? श्याम है आपका नाम, ठीक है। तो एस है श्याम, एस के बाद क्या आ रहा है? एच आ रहा है। तो आप अपने नेम से कर सकते हैं, आप अपनी क्लास से कर सकते हैं, आप अपने स्कूल नेम से कर सकते हैं, आप अपने कॉलेज नेम से या किसी भी यूनिवर्सिटी, कुछ भी नेम से आप याद कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ एम एन सेम सेम लेटर, ओ एल एल एम एन ओ, ये बहुत करीब है, तो ये एल ओ तो याद ही हो जाएगा आपको, और आप ट्रिक लगा के और याद कर सकते हैं। तो यहाँ आपने याद कर लिया। नाउ आपको दिया है कि रेस का कोड ये है, अब आपको बताना है कि रीजनिंग का कोड क्या होगा। ये आपका एक एग्जांपल है, अब आपको बताना है कि रीजनिंग का कोड क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे एनालॉगी नहीं लग रही आपकी, मतलब थोड़ी सी की लग रही है, थोड़ी सी की नहीं लग रही, अब आप क्या करें? अब कोड रिमेम्बर करेंगे। आर का क्या कोड था? आई। ई का क्या कोड था? वी। ए का क्या कोड था? सेड। एस का क्या था? एच। ओ का क्या था? एल।
एन का क्या था एम, ऐसा आपको याद करना है। अब आई का क्या था, आई का कोड था आर, है ना, आई का कोड था आर, एन का कोड एम, एंड जी का कोड जी टी रोड टी, है ना। तो ये रहा रीजनिंग का कोड। ओके, आप और एग्जांपल लीजिए, खूब सारे एग्जांपल लीजिए। मेरे को तो भैया रीजनिंग बहुत पसंद है, आपको भी पसंद होगी ना। तो ये रेस का ये कोड था, रीजनिंग का ये बन गया, ये था स्प्लिट बाय हाफ। अब देखते हैं हम ग्रामर कोडिंग। धन्यवाद, आ गया ग्रामर कोडिंग। तो ग्रामर कोडिंग तो बहुत ईजी है। इसमें हमें क्या है, ग्रामर कोडिंग को हमें डिवाइड करना है, मतलब जो डिवाइड होता है ग्रामर कोडिंग वो होता है वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट के बीच में। मतलब जो पैटर्न आएगा, मतलब जो कोड आएगा, उसमें हम वॉवल्स को किसी और वे में चलाएंगे और कॉन्सोनेंट को किसी और वे में चलाएंगे। ओके, दोनों डिफरेंट होते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ जल्दी से, मैजिक से एग्जाम्पल आ जाए। आ गया एग्जाम्पल, और हमें यहाँ दिया है कि एप्पल का जो कोड होगा वो होगा बी ओ ओ के एफ, चेरी का जो कोड होगा वो होगा बी सी बी जी एफ क्यू क्यू एक्स। ना आपको बताना है कि रीजन का कोड क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हमारी एनालॉगी भी नहीं लग रही है, यहाँ पे हमारा स्प्लिट बाय हाफ भी नहीं लग रहा है, क्योंकि हमें पता है कि सी का कोड क्या होता है, एक्स होता है, बट यहाँ पे बी दिख रहा है, तो मतलब यहाँ पे स्प्लिट बाय हाफ भी नहीं लगेगा। अब आता है ग्रामर कोडिंग। यहाँ पे आप देखेंगे तो जो यहाँ आप सारे वॉवल देखेंगे ए ई, इसको हम इसको उन्होंने प्लस वन कर दिया है, प्लस वन एफ प्लस वन बी, और सारे कॉन्सोनेंट जो देखेंगे उनको पीछे ले जा रहे हैं। देखिए पी को ओ, पी को ओ, ऐसा हो रहा है ना। तो बस हमें यहाँ पे करना है, बस ये लेटर्स का हमें पैटर्न समझना है। ऐसा नहीं है कि हमेशा प्लस वन या माइनस वन ही आएगा, कभी प्लस टू भी आ सकता है, माइनस टू आ सकता है, प्लस थ्री माइनस टू, ये सब मतलब हमें इसका पैटर्न समझना है। जैसे ए वॉवल को हमें करना है प्लस वन, तो यहाँ पे जितने भी वॉवल हैं कौन कौन से वॉवल हैं, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन मार्क हटा दीजिए क्योंकि हमें मिल गया है इसका आंसर। कौन कौन से वॉवल हैं यहाँ पे, ई है एक वॉवल, है ना, तो इसको हम कर देंगे प्लस वन एफ। ए है वॉवल, उसको हम कर देंगे प्लस वन बी, अब एस तो नहीं है, ओ है वॉवल, उसको हम कर देंगे प्लस वन पी, अब बाकी सब जो बचे कॉन्सोनेंट उसको माइनस वन कर दो। लो देखो, आर को माइनस वन किया तो क्यू, और एस को माइनस वन किया तो आर एस, हाँ आर, और एन को माइनस वन किया तो एम। तो ये आ गया हमारा रीजन का कोड। ओके, अब आपको बताना है कि इसका कोड कौन सा होगा। हाँ, तो अब आपको बताना है, वो आगे टाइमर टाइमर 10 सेकंड का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका मैं अभी आपको नहीं करके दूंगी, इसको आपको जो आंसर है वो आपको लिखना है कमेंट में, मैं बताऊंगी कि वो आंसर सही है कि नहीं। ओके, चलिए अब देखते हैं फोर्थ वाला क्या है। नाउ फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो शिफ्टिंग है, शायद ये आपने अपने सिक्स क्लास सेवन्थ क्लास की बुक में भी आता है ये शिफ्टिंग। हाँ, मतलब सबसे ज़्यादा ये शिफ्टिंग ही पूछा जाता है मेरे को लगता है, क्योंकि शिफ्टिंग बहुत ईजी होता है। मतलब शिफ्टिंग में क्या होता है, सबसे पहले तो डिफरेंस ऑफ इवन नंबर, या तो आपको डिफरेंस ऑफ इवन नंबर मिल जाएगा, डिफरेंस ऑफ ऑड नंबर, या डिफरेंस मिलते हैं, ठीक है, वो जो पैटर्न बन रहा है उसके बीच में डिफरेंस होता है, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगी। तो चलिए अभी आपको एग्जांपल चाहिए चाहिए ना, तो इसका भी फर्स्ट टाइप, इसके थ्री टाइप्स होते हैं। इसमें जो फर्स्ट टाइप है वो, यस आ गया। अब यहाँ पे क्या दिया है हमें कि कोर्स का जो कोड होगा वो होगा एफ आर एक्स यू वी एच, तो आपको बताना है कि रेस का कोड क्या होगा। देखिए यहाँ पे हमारी ना एनालॉगी लग रही है ना, यहाँ पे ना हमारी स्प्लिट बाय हाफ लग रहा है और ना ही हमारा ग्रामर कोडिंग लग रही है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो शिफ्टिंग का फर्स्ट वाला टाइप है वो लगा के देखना है कि ये लग रहा है कि नहीं। इसमें आपको लेटर्स के बीच, लेटर्स और उनके कोड के बीच का डिफरेंस ढूंढना है, मतलब
देखिए जैसे ये सी है, इसका कोड उन्होंने क्या लिखा, एफ, ठीक है, तो इनके बीच का डिफरेंस क्या है, सी डी ई एफ, ओके। तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हमने टू लेटर छोड़ के जो तीसरा लेटर है उन्होंने वो वाला कोड दिया है, ठीक है। तो ऐसे ही ओ का है, ओ का उन्होंने क्या दिया है, आर, यहाँ पे उसके बीच का क्या डिफरेंस है, ओ पी क्यू आर, ठीक है। तो यहाँ पे भी उन्होंने दो लेटर स्किप करके तीसरा वाला लेटर कोड में दिया है। तो बस हमें ऐसा ही करना है, जैसे कि आप, हमें समझ आ गया है कि पूरा कोड ऐसे ही लिखा हुआ है, तो हमें रेस का भी ऐसे ही लिख देना है। नाउ रेस का क्या होगा, आर, आर का टू लेटर स्किप करेंगे अपन, आर आर एस टी यू, दो लेटर स्किप किया ना, एस टी और यहाँ पे तीसरा आ गया यू, तो इसका क्या आंसर होगा, यू। ए का तो लेटर स्किप, बी सी डी, दो लेटर स्किप डी, तो यहाँ आया डी। सी का सी डी ई एफ, तो डी ई स्किप, तो तीसरा आया एफ। फिर ई का एच, और ये कैसे मेरे को पता चला, देखिए यहाँ पे ई का एच लिखा है ना, सिंपल है, तो ई का एच ही होगा ना। तो ये रहा फर्स्ट टाइप, नाउ सेकंड टाइप इज वेरी इम्पॉर्टेंट, ओके। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। तो इसमें क्या दिया है हमें कि यूनिवर्स को हम ऐसे लिखते हैं, ई एस आर ई वी आई एन यू। तो अब आपको बताना है कि गैलेक्सी को हम कैसे लिखेंगे, क्या इसमें एनालॉगी लग रहा है, क्या इसमें स्प्लिट बाय हाफ लग रहा है, और जो सारी मेथड है क्या इसमें लग रही है, नहीं लग रही। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या होता है, अगर आपको ये सही मेथड नहीं लग रही तो आपको ये वाली मेथड लगानी है। यूनिवर्स था, इसको आप देखेंगे ध्यान से, आप देखेंगे तो यहाँ से यूनिवर्स लिखा गया है, देखिए यूनिवर्स, देखा, तो यहाँ पे ऐसा ही है, हमारा जो लेटर होता है, हमारा जो वर्ड होता है उसको हम उल्टा करके लिख लेंगे। तो यहाँ पे जो ये गैलेक्सी है इसको भी हम उल्टा करके लिख लेंगे, गैलेक्सी व्हाट्स बिकम द कोड। देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है, y, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे y, देन क्या आ रहा है, x, देन क्या आ रहा है, a, देन l, ओके ए एंड जी, ये रहा गैलेक्सी का कोड वर्ड। अब आपको बताना है इसी मेथड से करके कि इसका कोड वर्ड क्या होगा, बताइए बताइए। वायर टाइमर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या है, मैं बताऊंगी कि वो सही है कि नहीं। चलिए ओके, ये रहा हमारा लास्ट टाइप, और ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और कॉम्बिनेशन है ए टाइप और बी टाइप का। कैसे, देखिए हमें दिया गया है कि कंप्यूटर का जो कोड होता है वो होता है आर एफ यू वी क्यू एन पी सी। तो अब आपको बताना है कि मेडिसिन का कोड क्या होगा। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ना एनालॉगी लग रही है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई सा भी नहीं लग रहा है और उल्टा सीधा भी नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है मिक्स है ए और बी का, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, सी जो था कंप्यूटर का वो हमारा फर्स्ट लेटर था, वो आ गया कोड में लास्ट पे, और जो हमारा लास्ट लेटर था आर वो आगे कोड में फर्स्ट में। बट आप कहेंगे कि यहाँ पे तो है ही नहीं, तो यहाँ पे ये बी वाले टाइप का, ए वाले टाइप का है। कैसे, यहाँ देखिए ओ जो है उसका प्लस वन अगर आप करेंगे तो क्या आएगा, पी, और उसको हम उल्टा लिख रहे हैं ना, सी ओ पी सी ओ एम ऐसा लिख रहे हैं, तो यहाँ पे ओ जो है प्लस वन होके उल्टा जाएगा, प्लस वन पी और यहाँ पे पी आ गया, देखिए है ना।
अब यहाँ पे m है, यहाँ पे इसको भी प्लस वन कर देंगे तो क्या आएगा n, और यहाँ पे देखिए उल्टे में n, यहाँ पे p है इसको प्लस वन कर देंगे p q, उल्टे में q है ना, u को प्लस वन कर देंगे v, t को प्लस वन कर देंगे u, s t u, और e को प्लस वन कर देंगे f, और r तो वैसा ही था है ना। तो यहाँ हमने देखा कि ये जो हमारा टाइप है ये ए टाइप और बी टाइप का कॉम्बिनेशन है। तो हमने यहाँ पे कंप्यूटर का करके देख लिया, अब हमें बताना है कि मेडिसिन का क्या कोड है। दैट वी नो कि एम जो फर्स्ट लेटर है उसको हम कर देंगे लास्ट में, एंड जो हमारा लास्ट लेटर है उसे हम कर देंगे फर्स्ट में। नाउ हमें जो यहाँ पे सेकेंड थर्ड फोर्थ ये जो बीच के लेटर्स है इन्हें हमें प्लस वन करना है एंड देन बैकवर्ड लिखना है। ई को हम प्लस वन करेंगे ई एफ, तो यहाँ पे हमने एफ लिख दिया। डी को हम प्लस वन करेंगे ए बी सी डी ई, यहाँ पे हमने ई लिख दिया। आई को हम प्लस वन करेंगे जे आ गया, सी को हम प्लस वन करेंगे डी आ गया, आई को हम प्लस वन करेंगे जे आ गया, एन को हम प्लस वन करेंगे एन एम, सॉरी इसको थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं एन एन ओ, सॉरी एन ओ, और ई को वैसे ही एज इट इज। तो यहाँ हमारा ये वाला कोड हो गया, ये आप ऑप्शन में भी दिख जाएगा, तो बस आपको उसको टिक कर देना है। ओके नाउ ये आपको बताना है कि इस वाले का क्या आंसर होगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 कमेंट में बताइए। लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, बिकॉज मैं इतने सारे शॉर्ट ट्रिक एनसीईआरटी मैथ्स इतने सारे वीडियो लेके आ रही हूँ, और आपको मुझे सपोर्ट भी तो करना है ना, तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और मैं जैसे ही आपके पास वीडियो लेकर आऊँ और आपके पास पहुँच जाए, कैसे करेंगे आप उसको, घंटी को प्रेस करके। ओके सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी आएगी, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, घंटी भी बजा देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, ताकि उनको भी थोड़ी रीजनिंग की शॉर्ट ट्रिक पता चल जाए। ये थी मेरी अल्फाबेट सीरीज, अगर आपने इसको लाइक किया, शेयर किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया तो ही मैं नंबर सीरीज लेकर आऊँगी। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे मेरे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।